But I really like your theory of pragmatism, where you have said that you should ask a question to yourself before you do anything. Why I'm doing this? ये खुद से पूछना एक बहुत बड़ी चीज है. खुद से रोज एक सवाल करना, पूरे दिन के अंत में अपने आप से ये कहना कि आज मैंने क्या सीखा. It really works a lot, sir. It has given me a goal in my life. और सर मुझे लगता है, yes. किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हो? सर आई एम टेकिंग क्लास 6th, 7th. अभी आपसे ना बात करते करते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया आ रहा है, और आपके थ्रू मैं और जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में उनको भी शेयर करूंगा. मुझे हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है. देखो सबसे पहले क्या है, हमको प्रॉब्लम को समझना है. यस सर. जो बच्चे हैं उनके अंदर क्यूरोसिटी तो है ही, उसको क्रिएट नहीं करना. बहुत है, सबके अंदर है. बच्चों के अंदर बाय डिफॉल्ट क्यूरोसिटी है, सिर्फ उस क्यूरोसिटी को सही डायरेक्शन देनी है. यस सर. तो एक ऐसी चीज है जो इंडिया में यहाँ पे हमारे स्कूल्स में नहीं हो रही है, लेकिन अगर ये हो जाए तो आई स्ट्रांगली बिलीव इंडिया का जो नजारा है आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर वो पूरी तरह से बदल जाएगा. अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, हफ्ते में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ आप एक प्रॉब्लम दे करके छोड़ दो और उनको बोलो कि निकालो इसका सोल्यूशन. बच्चों को हम बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ नहीं है. 6th, 7th के जो बच्चे हैं उनको बोलो पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, या फिर सड़कों के ऊपर ये जो हॉन्किंग है वो एक प्रॉब्लम है कि लोग पागलों की तरह हॉर्न बजा रहे हैं. जरूरत नहीं है फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं. रेड लाइट पे खड़े हैं हॉर्न बजा रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? उनको बोलो बताओ क्या है इसका सोल्यूशन. तो अब उसके ऊपर डिस्कशन हुआ. ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हो गए महीने में 4, हफ्ते में 1 अगर हमने टॉपिक पकड़ा. तो इस तरह से हम अगर सोचने पे बच्चों को मजबूर कर दें तो आने वाले टाइम में इनके आगे एक डिसीजन आएगा, आना ही आना है, कि हमें सिगरेट पीनी है नहीं पीनी है. तो इस प्रॉब्लम को हम उन्हीं से सॉल्व क्यों ना करवाएं, बजाय कि उनको बोलने के कि तुमको पीनी है नहीं पीनी है. तो बच्चों की क्यूरियोसिटी को एक एंगल दिया, मतलब कि उनको एक टॉपिक दे दिया कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये सबको पता है. फिर भी जो कॉलेज में लड़के लड़कियां हैं वो सिगरेट पीते हैं. क्यों पीते हैं? बस बोल करके चुप हो गए, समझ गए. अब आधा घंटे का पीरियड उनके पास में है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि वो सिगरेट ना पिए? पूछो उन बच्चों से, वो आइडियाज देंगे. और ऐसे आइडियाज होंगे वो जो कमाल के होंगे, जो आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो फ्रेश होंगे, वो कुछ भी सोच सकते हैं. इससे क्या हो रहा है, उनकी सोचने की पावर्स डेवलप हो रही है, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर्स बढ़ रही है, और वो सोल्यूशन बताएंगे और उन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा. कुछ भी हो सकते हैं, इनोसेंट से आइडियाज हो सकते हैं, कि जो ये कुछ पान की दुकानें हमारे स्कूल के आसपास में, वहां पर जाकर के हम ये कर दें, वहां पर जाकर के हम ये लगा दें. छोटे सा भी कुछ करवा दिया उन बच्चों से, अब क्या हुआ, उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गया. उन बच्चों को ये लगा कि अब सारे अचीवर बन गए, और टीम वर्क भी आ गया. क्योंकि जो करेंगे सब मिल करके करेंगे, तो सबके अंदर क्या आया, जो रिवॉर्ड मिला सबको मिला, सारे खुश, और वो घर पर जाकर के दिखाएंगे, देखो आज मैं ये जीत करके आया. तो अब ये किससे लिंक हो रहा है, ये जीत किससे लिंक हो रही है? दूसरों को हराने से नहीं, एक ऐसी जीत से जहां पर सबका फायदा होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के अपने प्रिंसिपल से बात करते हो कि भाई ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक हफ्ते में एक दिन तो पॉसिबल नहीं है. बोलो अगर आप कहते हो हफ्ते में एक दिन आप नहीं भी अलाउ करते, महीने में एक दिन कर दो. महीने में एक दिन के लिए आधा घंटे की एक क्लास, और आधा घंटे के लिए कहीं पर जाना, बस. साल में 12 क्लासेस हुई. अगर इस तरह से ये बच्चे आगे बढ़े अगले कुछ सालों तक, और हर साल में ऐसी 12 सेशंस हो रहे हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकली पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला फिर प्रैक्टिकली निकाला, तो जब ये बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो हमारी दुनिया कैसी होगी? लगाओ दिमाग, कैसा माइंड होगा इन बच्चों का.